राम राम जी। आप सभी लोगों के लिए हम फिर एक लेके आए नए ब्लॉग, और आप सभी लोग इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे उज्जैन के महाकाल का दर्शन कराएंगे आप सभी भाइयों को। और इस वीडियो में बने रहने अंत तक, आप सभी लोगों के लिए हम लेके चलते हैं, अभी चलते हैं स्टेशन पे, और आप सभी लोग ऐसे बने रहो इस वीडियो में एंड तक। हम अपने आमला के आ चुके हैं ये डिपो पे, ये स्टेशन के पास डिपो है हमारे आमला का। यहाँ से डीजल पेट्रोल सब जाता है काफ़ी दूर तक। और हम अब आ चुके हैं स्टेशन पे, और ये हमारी 12:03 पर ट्रेन आएगी, और हमारे जो भी भाई साथ जा रहे हैं वो हमारे भाई सब यहाँ स्टेशन पे आ चुके हैं, और कुछ जने भाई रह गए हैं वो भी आ जाएंगे। आप सभी लोगों के लिए हम तभी दिखाएंगे कि हम कितने जने जा रहे हैं। हम ये अब स्टेशन पे आ चुके हैं, आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं, ये पीछे देखो चल रहे हैं, ये हमारे साथ का दोस्त आ चुका है, ये बैग लाए घूम रहा है, और ये हमारे जितने भी दोस्त वगैरह सब भाई बहन जा रहे थे वो सब आ चुके हैं, और ये हम जितने भी हैं सब हमारे पीछे हैं। ये अब हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, अब सफ़र करते हैं। अब आप सभी भाई इस सफ़र का लो मज़ा, इस ब्लॉग में बहुत अच्छा होने वाला है। उज्जैन महाकाल आपको शंकर जी के दर्शन कराएंगे, हर मंदिर की आप सभी लोगों के लिए वीडियो मिलेगी, और इसमें हम जहाँ भी घूमेंगे जहाँ भी रुकेंगे आप सभी लोगों के लिए वहाँ का हम दिखाएंगे क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ रुके हम। यहाँ से 929 किलोमीटर का सफ़र है हमारा, आमला से बुद्ध को जाती है ये उज्जैन के लिए ट्रेन, और ये हमारे साथ वाले जितने हैं सब ये चढ़ रहे हैं ट्रेन में। अब आप सभी लोग हमारे जो कोई भाई हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट करें। हम अपने ट्रेन में अब बैठे हैं, 5 बजे ये सब खाना खा रहे हैं, सब भाइयों को लग रही थी भूख, तो बोले पहले खाना खा लो उसके बाद और कोई चीज़ भी खाएंगे, खाना हो जाएगा ख़राब। सारे भाई खाना खाने पे लगे हैं, और हम आप सभी लोगों के लिए व्लॉग दिखा रहे हैं बना के। और हम अब आ चुके हैं स्टेशन पे, ये स्टेशन है चंदोसी स्टेशन पे उतरे हैं पानी लेने के लिए, क्यों यहाँ स्टेशन पे पानी भरा तो बहुत सही नहीं लग रहा था, तो बोतल ले रहे हैं बिसलेरी की दुकान पे से। और आप सभी लोग ऐसी हमारी वीडियो देखते रहो, आप सभी लोग जहाँ भी हम रुकेंगे वो वीडियो दिखाएंगे आप सभी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ मूर्ति बिक रही है भगवान जी की, जिस किसी भाई के लिए मूर्ति खरीदना हो तो यहाँ चंदोसी स्टेशन पे दुकान है, ले सकते हैं आके। आप सभी लोग यहाँ ट्रेन है रुकी हुई, चक्कर में ये सब जने उतर आए, अब फोटो खींचने के लिए लग चुके हैं, सब सेल्फी पे लगे हैं। अब यहाँ आ चुके हैं आगरा स्टेशन पे, आप सही भाइयों को अभी आगरा का पेठा बहुत मशहूर है यहाँ, जो कोई भाई भी आए वो आगरा का पेठा लेके जाए, हम आगरा का पेठा यहाँ सबे खरीदेंगे। आप सभी भाइयों को भी दिखा रहे हैं ये आगरा का पेठा कितना अच्छा लग रहा है। भैया हम आगरा के स्टेशन पे आ चुके हैं, आगरा अलीगढ़ होते हुए
ये उज्जैन को निकलती है राजघाट होते हुए हमारे आमला से 929 किलोमीटर उज्जैन है। अब हम आ चुके हैं उज्जैन स्टेशन पे और ये उज्जैन की यहाँ स्टेशन है। अब आप सभी लोगों के लिए हम दिखाएंगे मंदिर के दर्शन करेंगे। ब्लॉग होता है ज़्यादा लंबा तो हम आप सभी भाइयों को हम दूसरे ब्लॉग में मंदिरों के दर्शन दिखाएंगे। ये उज्जैन स्टेशन है ये, और किसी भाइयों के लिए यहाँ गाड़ी से टेम्पू से मैजिक से किसी से कोई चीज़ बुक कर लो और अपने मंदिर गाड़ी वाले आप सभी लोगों के लिए मंदिर घुमाएंगे। और यहाँ से किराया 6 मंदिर घुमाने के लिए एक जन का 100 रुपये किराया लेते हैं। और जितने ही भाई हो अपने भाई साहब से गाड़ी को कर लो और आप सभी लोगों के लिए सब मंदिर घुमाएंगे ये गाड़ी वाले। और अब हम सब यहाँ चाय के दुकान पे खड़े हैं, अंकल जी चाय बना रहे हैं, सुबह हो रही है, चाय पीते हैं हम सब जने फिर आगे के लिए चलते हैं। अंकल जी चाय कर रहे हैं और अंकल जी चाय भी काफ़ी तादाद में अच्छी इनकी बिकती है। और ये स्टेशन के पास ही है अंकल जी का दुकान। अब हम आ चुके हैं यहाँ गंगा जी पे और यहाँ हम सब नहाएंगे, उसके बाद निकलेंगे मंदिर के लिए। अब आप सभी लोगों के लिए हम दिखाएंगे दूसरे ब्लॉग में मंदिर के दर्शन। आप सभी लोग हमारा दूसरा ब्लॉग देखना ना भूलें।